जड्डू का जादू, 83 पर फूट गया जीत का पटाखा, स्पिनरों ने मचा दिया ईडन में कहर। इस भारतीय गेंदबाजों को मिल गया है वरदान, जिसके हाथ में आता है गेंद बल्लेबाजों का मुश्किल हो जाता है काम। आज जडेजा बने हीरो, कोहली का बल्ला सेंचुरी बोला, मैदान में इंडिया इंडिया गूंजा। रोहित की सेना करबो लड़बो जीतबो बोली और जीत के लिए बढ़ गई, 8 के 8 नहीं छोड़ेंगे इस बार वर्ल्ड कप। आठ के आठ नहीं छोड़ेंगे वर्ल्ड कप इस बार, ठान लिया है रोहित की सेना ने, फिर जबरदस्त गेंदबाजी। देखने वालों ने कहा इन गेंदबाजों को मिल गया है जीत का वरदान, क्योंकि 5 के 5 भारतीय गेंदबाज सभी के सभी ब्रह्मास्त्र। रोहित जिसको डाले धनुष में वही बांध कर आता है विपक्षी को आर पार। इस बार जडेजा ने रोल निभाया, 5 का 5 जमाकर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 83 रनों पर सिमटा दिया। इससे कुछ हुआ तो ये कि दक्षिण अफ्रीका की कमजोर कड़ी आ गई पकड़ में। चेजिंग में अफ्रीकी टीम फिसड्डी, चेस करते हुए नीदरलैंड से हारी, और अब भारत से हार ने उभार दिया अफ्रीकी टीम की कमजोरी। इस कमजोर कड़ी को उभारने के लिए काम किया हमारे गेंदबाजों ने। पहले सिराज ने डीकॉक को सस्ते में चलता किया, तभी खुशी की लहर भारतीय खेमे में आ गई, क्योंकि क्विंटिंग डीकॉक को रोकना मतलब था दक्षिण अफ्रीका को लक्ष्य से पीछे खींच लेना, लेकिन काम अब भी बाकी था। सामने धुरंधर मिडिल ऑर्डर आने वाला था तो रोहित ने ग्राउंड के रिएक्शन को भांप कर 8वें ओवर में ही जडेजा को गेंद थमा दिया। ऐसा इस वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ। जडेजा ने निराश भी नहीं किया, इसी ओवर में दूसरा विकेट निकाल लिया। फिर समी ने भी अपने पहले ओवर में विकेट चटकाया। इधर जडेजा ने अपनी लय बरकरार रखी और 5 का 5 लगा दिया। सिर्फ 33 रन देकर जडेजा ने 5 विकेट निकाल लिया। कुलदीप ने भी बखूबी साथ निभाया और 2 विकेट अपने नाम किया। स्पिनरों ने कुल 7 विकेट लिए। 327 रन का टारगेट जिसे देखकर पहले लग रहा था ये अफ्रीकन टीम के लिए आसान लक्ष्य है, वो पहाड़ जैसा हो गया। पूरी की पूरी टीम 83 रन पर सिमट गई। इससे पहले श्रीलंका 55 पर ऑल आउट, आज साउथ अफ्रीका 83 पर पवेलियन लौटी। गेंदबाजों का जादू कहेंगे कि भारत ने 243 रनों से जीत दर्ज कर लिया। आज टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चुना था। शुरुआत शानदार भी रही, 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर थे। ये संभव हुआ था रोहित की रफ्तार भरी 40 रनों की पारी से। आगे कोहली और श्रेयस ने पारी संभाली थी, लेकिन स्पिनर के सामने कंडीशन टफ थी। केशव महाराज ने 10 ओवर में सिर्फ 30 रन बनाने दिया। श्रेयस और विराट की स्लो पारी भारी लगने लगी थी, लेकिन फिर अपनी लय में लौटे दोनों बल्लेबाज और कोहली ने नॉट आउट 101 रन और श्रेयस ने 77 रन बनाया। इन दोनों की इस पारी ने इंडिया के स्कोर बोर्ड पर 326 रन खड़ा कर दिया और जादुई गेंदबाजी के आगे इंडिया की जीत हुई। आज की जीत कोहली और जड्डू के नाम। क्या बहुत बढ़िया 8:30 10 विकेट ओवर हो गया साउथ अफ्रीका को, पूरा हार बना दिया और कुछ नहीं। कोहली को बर्थडे सेलिब्रेट करना था, जल्दी से भेज दिया घर लोगों को, साउथ अफ्रीका भेज दिया इंडिया वालों ने। क्या चाहिए, फाइनल में क्या जाएगा, जो सबसे तगड़ा टीम होगा उसको हरा के मजा आएगा। कॉम्पिटिशन कहाँ से आप? हम लोग नई हाटी से आए हैं, कोलकाता के रहने वाले। धमाका धमाका धमाका, त्योहारों की उमंग होंडा के संग। अब हर होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। स्क्रैच करें और विनर बने। एलईडी टीवी, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन, फ्रिज और भी बहुत कुछ। फाइनेंस धमाका ऑफर के साथ 3,999 का डाउन पेमेंट, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। 3,000 का पेट्रोल कार्ड भी बिल्कुल मुफ्त। तो जल्दी करें, हमारा पता है वंश होंडा, नहर चौक, भतडीहा, गोड्डा। मोबाइल नंबर 7091497005 और 7091497006 और 8210985951।